मतलब कि सारा गलती माइक्रोसॉफ्ट ही कर रहा है और यूट्यूबर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अरे सबसे बड़ा तो बेवकूफी यूट्यूबर ही कर रहे हैं। अगर बाय द वे अगर माइक्रोसॉफ्ट की गलती अगर सभी लोगों को दिखाई दे रही है कि वह माइक्रोसॉफ्ट अपने अकाउंट से सभी का आईडी को बंद कर दे रहा है और सभी का आईडी सस्पेंड कर दे रहा है, तो यूट्यूबर को भी ध्यान देना चाहिए कि सब लापरवाही उन्हीं का है। अगर पहले जो एमंड ग्रेफी था और उसने ट्वीट किया कि सब लोग वीपीएन का यूज कर रहे हैं, तो उसके ट्वीट को लेकर पूरा बवाल हो गया सोशल मीडिया पे कि उसने ऐसा किया। लेकिन जो यूट्यूबर डेली का डेली जब ऐसा स्कैम खुद करवा रहे हैं, तो क्या वो गलती नहीं कर रहे हैं? इसी के बारे में आज आपको वीडियो हम बताने वाले हैं। और क्या हुआ है नया अपडेट, इसके बारे में आपको हम जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें और लाइक। दोस्तों देखिए क्या बात है, जो रियलिटी हो उसको समझिएगा। अगर बाय द वे अगर हम लोग यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट रिवार्ड का यूज कर रहे हैं, तो हम लोग मानते हैं कि इसको कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो रूल कानून है, जो टर्म एंड जो कंडीशन रखा गया है, उसको भी ध्यान में रखना होता है। ऐसा काम नहीं करना है जैसे कि उसका नियम टूटे। कुछ लोग ऐसे बेवकूफ यूट्यूबर जो है, वो लोग कहते हैं ना कि माइक्रोसॉफ्ट परमानेंट बंद होने वाला है, इसका जो बोलते हैं ना जो लाइफ टाइम है वो सब खत्म हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, कभी आपने दिमाग लगाया है कि ऐसा क्यों हुआ है? क्या माइक्रोसॉफ्ट जो रिवार्ड है इतने दिनों से चलाते आ रहा है, लेकिन इतने दिन में इसको कौन सी कमी हो गई? ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट छोटी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, रिवार्ड बहुत पहले से ही चलते आ रहा है। तो आज ऐसा क्यों हो गया, जो कि इतने लोग इस पे वर्क कर रहे हैं, इसके लिए इतने लोग इनमें इन्वॉल्व हो गए हैं, तो ऐसा कैसे हुआ? इस सब के बारे में आप लोगों को समझना चाहिए कि कहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की गलती है और कहाँ पे यूट्यूबर की गलती। इसमें हम अपना भी गलती को दिखा रहे हैं, अपने भी गलती को हम कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के रेटिंग को गिराने से क्या है, माइक्रोसॉफ्ट सही हो जाएगा। तो ऐसा वो लोग दिमाग से भ्रम को निकाल दें कि सही होने वाला है। तो देखिए पहले जो पॉइंट है उसको समझते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट में जो भी अपडेट आ रहा था, तो यह 3 से 4 महीने पहले बहुत ही बेहतरीन चल रहा था, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं था। मार्च के महीने में बहुत ही बेहतरीन चल रहा था, वीपीएन का भी काम हो रहा था, टोटल चीज हमारे पास हो रहा था, और यहाँ पे जो पॉइंट है भी हम लोग अर्न कर पा रहे थे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं था। तो जो एकाएक जैसे वो ट्वीट हुआ कि वीपीएन का यूज हो रहा है, तो उसको देखते हुए लोग कहते हैं कि उनके ट्वीट के माध्यम से ही टोटल बैन कर दिया गया, तो यह गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ। यह ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि उसका जो भी था, तो यह जो यूट्यूबर लोग हैं, आप लोग अकाउंट को खोल के देख सकते हैं कि हम जो हमारा जो पर्सनली बात है, तो हम इससे वीडियो नहीं बनाते थे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें जानकारी पहले से ही था, लेकिन हम वीडियो नहीं देते थे कि सारे जो भी हमारे पास जो इस पे इन्वॉल्व हैं, वर्क कर रहे हैं, कुछ पैसे कमा रहे हैं, तो उनको हम अगर हम जानते थे कि अगर हम ऐसा ट्रिक लेकर के आएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट को मालूम चलेगा और वो परमानेंट यह सब ट्रिक को बंद करेगा। तो कुछ बेवकूफ यूट्यूबर जो हैं वो लोग ऐसा काम कर दिए, जैसे वीपीएन का यूज होना शुरू हुआ तो वह दिखाना शुरू कर दिए कि इतना पॉइंट मिल रहा है तो इतना वीपीएन यूज करो, ये वीपीएन यूज करो, फलान देगा ना। अरे बेवकूफ, ऐसा क्यों किए? जब ऐसा किए हो तभी तो ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। अब इसके बाद जब MNS का जो शॉपिंग जब आया, शॉपिंग गेम, तो उसमें भी अलग अलग से जावा स्क्रिप्ट का लोग बनाना स्टार्ट कर दिए, उसको भी हैक करना स्टार्ट कर दिए, ग्राइंड करना स्टार्ट कर दिए, और कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा किया। अरे नहीं, टोटल यूट्यूबर की देन है, सब कुछ उसकी देन है कि ऐसा हुआ है। और अगर बात करें अभी जो प्रेजेंट टाइम में, तो जब तक कि जब वीपीएन का खुलेआम जब होने लगा कि वीपीएन का यूज करोगे इतना पॉइंट होगा, 1 महीने में इतना होगा, और ऐसे ऐसे महान यूट्यूबर हैं जो कि कहने लगे कि एक आईडी ऐसे बनाओ, ऐसा करो, एक मोबाइल में इतने सारे अकाउंट को ओपन करो, ऐसे अकाउंट बनाओ, इतना सारा अर्निंग करो, इतना डेली प्रॉफिट होगा, 4000.5 डे में होगा, तो यह सब जब होने लगा वायरल, तो इस परिस्थिति में आप लोग समझदार होंगे, समझते होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो जब ये वायरल होने लगा, तो तब जाकर के माइक्रोसॉफ्ट के निगाह में हुआ कि अरे ये लोग तो ऐसा ट्रिक करके हमें ऐसा पॉइंट अर्न कर रहे हैं, जो कि फ्रॉड काम कर रहे हैं। तब इसको लेकर के माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में इतना सख्त हुआ। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो किसी भी अनदर कंट्री में ऐसा नहीं है कि वहाँ के लैंग्वेज के ऊपर वीडियो बन रहा है और माइक्रोसॉफ्ट में इतना हो रहा है, वहाँ पे तो क्लियर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में रिवार्ड देगा तो इसका कमी हो जाएगी, भिकमंगा हो जाएगा, चाहे जो भी लोग भी अपने यूट्यूब में बोलते हैं, वीडियो में बोलते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो टोटल यूट्यूबर की देन है कि ऐसा प्रॉब्लम आज आप लोगों को झेलना पड़ रहा है।
तो अभी भी हम माइक्रोसॉफ्ट का जो लोग भी वीडियो प्रोवाइड कराते हैं उनसे हम कहना चाहते हैं कि आप लोग ट्रिक और ट्रिक्स मत लेकर के आइए, आपको जो इन्फॉर्मेशन देना है जो अपडेट का उसको दीजिए ताकि माइक्रोसॉफ्ट को दिक्कत ना हो। अगर आप ब्लैकमेल करिएगा, अगर आप किसी अन्य तरह से फ्रॉड करके या चीट करके अगर उसके पॉइंट को अर्न कीजिएगा तो कोई भी अपना जो भी सिक्योरिटी है उसको और भी मजबूत करेगा, ये क्लियर है। अगर आप लोग भी किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो और वह उसको लेना है, अगर मान के चलो एक दिन 500 पॉइंट लेना है, अगर लेगा 1000 पॉइंट, तो जो लोग की प्रोवाइड करवा रहे हैं उनको लोग तो कुछ तो एक्शन लेंगे ना। तो वैसा ही सेम हुआ है आज के समय में कि वो लोग एक्शन ले लिए हैं तो सबको लग रहा है कि अरे यूट्यूब तो ऐसा ऐसा माइक्रोसॉफ्ट ऐसा कर रहा है। अरे क्यों कर रहा है, यूट्यूबर की देन है कर रहा है, तो रेटिंग गिराना है। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो ये कहते हैं कि रेटिंग गिराओ ऐसा करो, तो यह ऑडियंस पर डिपेंड करता है जो कि उसके उसमें इन्वॉल्व है माइक्रोसॉफ्ट के रिवार्ड में, या उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं। अगर ऐसा ही करिएगा तो वह परमानेंट रिवार्ड को बंद कर देगा इंडिया से, तो सभी का चौपट होने वाला है, कुछ भी अर्न पॉइंट नहीं होगा। तो जैसे चल रहा है चलने दो, लेकिन सोशल मीडिया पे गलत तरीके से पॉइंट को अर्न मत करो। उसका क्लियर कहना है कि वन डिवाइस वन आईडी 7 डेज, तो आप लोगों को वन डिवाइस में एक ही आईडी का यूज करना है। अगर ऐसा करते हो अभी से भी, अगर अपने मकसद में अगर ऐसा काम करते हो और ऐसे ही अगर वर्क करते हो तो आपको दिक्कत नहीं होगा, माइक्रोसॉफ्ट धीरे धीरे करके टोटल चीज पहले के जैसा कर देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आप लोग पहले से काम करो, वैसे ही काम करें, कोई रेटिंग वेटिंग के चक्कर में पड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। और इस तरह से ट्रिक्स मत कमाइए, जितना चल रहा है वैसे ही चलने दो और सभी का पॉइंट अर्न होगा, सभी का पॉइंट गिफ्ट कार्ड में रिडीम होगा। थोड़ा सब्र करो, इसका नया अपडेट आने वाला है। तो ये हम कहना चाहते थे वीडियो के माध्यम से कि थोड़ा यूट्यूबर लोग भी ध्यान दो कि ऐसा वीडियो ट्रिक और ट्रिक्स का मत प्रोवाइड कराओ जिससे कि सभी लोगों को प्रॉब्लम हो। तो आप लोग समझदार हैं, समझते होंगे, तो ऐसी जानकारी आपको माइक्रोसॉफ्ट जरूर आगे मिलेगी, लेकिन आपको ट्रिक और ट्रिक्स भी मिलेगी, लेकिन उसको भी देखते हुए, नियम कानून देखते हुए कि कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो लेटेस्ट अपडेट आएगा वो तो 100% मिलेगी। तो मिलते हैं वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के साथ।